अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मुख्यमंत्री ने किया नगरीय क्षेत्र की सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ। देवास की भी 95 कॉलोनी हुई अवैध से वैध। 25 अगस्त शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रति नगरीय क्षेत्र की अधिकृत कॉलोनियों के लेआउट अनुमोदन पश्चात भवन अनुज्ञा हेतु पात्र घोषित कॉलोनियों का भवन अनुज्ञा वितरण वर्चुअल कार्यक्रम लाइव प्रसारण मदन मोहन पहाड़ी जबलपुर से किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय मल्हार स्मृति ऑडिटोरियम में महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा निगम लोक निर्माण समिति अध्यक्ष गणेश पटेल, पार्षद राहुल दायमा, पार्षद प्रतिनिधि राज वर्मा, निगम उपायुक्त देवबाला के साथ मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण को देखा एवं सुना। कार्यक्रम में देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी उप्र कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियमों के अनुरूप अवैध कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए पात्र चिन्हित की गई अधिकृत 95 कॉलोनियों में विकास कार्यों की जानकारी रहवासी संघ का गठन अधिकृत कॉलोनियों में जारी भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाओं में जनहित की यह योजना भी शामिल हुई, जिससे अब अवैध कॉलोनियां वैध हो गई है। सभापति श्री जैन ने कहा कि अब वैध की गई कॉलोनियों के रहवासियों को अपने भवन निर्माण के लिए बैंकों से लोन लेना आसान होगा, जिससे वे अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे। वैध की गई कॉलोनियों में नियमानुसार भौतिक सुख सुविधा भी निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी भी रहेगी, जिसके पूर्ण प्रयास भी किए जाएंगे। विधायक प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने कहा कि निगम सीमा क्षेत्र की 95 कॉलोनियां सुखराज योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा वैध की गई, जिससे शहर की 95 कॉलोनियों के रहवासियों के द्वारा अब निगम में नियमानुसार नॉमिनल शुल्क जमा कर नक्शा पास कराकर बैंक से लोन लेकर अपना भवन निर्माण कर सकते हैं। इस अवैध से वैध हुई कॉलोनियों में दी जाने वाली भौतिक सुख सुविधाएं भी कायाकल्प योजना अंतर्गत शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान से की जा सकेगी। श्री अग्रवाल ने अवैध से वैध हुई 95 कॉलोनियों के रहवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम जीरो वेस्ट ईवेट पर आधारित रहा। इस अवसर पर रहवासी संघ से किशोर दुबे एवं बाबूलाल तथा भाजपा नेता राहुल कौशल, अरुण पाटीदार, जय यादव सहित निगम कार्यपालन यंत्री नागेश वर्मा, कार्यालय अधीक्षक अशोक उपाध्याय, सहायक यंत्री मुशाहिद हनफी, जितेंद्र सिसोदिया, विजय जाधव, राजेश जोशी, विकास शर्मा, बिरजेश शर्मा, मुन्ना जायसवाल, अनिश शेख, सुनील अग्रवाल, अयास शेख आदि सहित अन्य गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया। मैं आप सबके समक्ष आप सबको इस पावन दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पुनः मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चैन से रहे, आराम से रहे, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो कॉलोनियां अवैध कॉलोनी कही जाती थी। आज से ऐसी सारी कॉलोनी वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न है। प्लान बनाए वो सारी कॉलोनी अब अवैध नहीं रहेंगी, सब वैध कॉलोनी कर दी जाएगी। अब ये सारी कॉलोनी वैध हो रही है। आज हर शहर में, हर नगर में लाखों परिवार ऐसे थे जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहे थे। अरे सरकार लाभ मिले, किसान प्रयास करें। ये हमारे पार्षद प्रतिनिधि राज आ रहे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा मंच पे आ जाएं और देवास के नागरिक बंधुओं को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, हम वो पूरा प्रयास करेंगे। और चूंकि यहाँ पर जो सामने बैठे हैं वो अधिकतम हमारे और मेरे परिवार के लोग बैठे हैं और वो इस योजना से भली भांति वाकिफ है, इसलिए मैं बहुत इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 95 कॉलोनियाँ, 99 कॉलोनी जो हमारे यहाँ चिन्हित हुई थी उसमें से 95 कॉलोनी वैध हुई है। अब उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को यह फायदा मिलेगा कि वो लोग अपना मकान का नक्शा पास करा सकते हैं। यदि उनका कोई प्लॉट है उस कॉलोनी में जो उन्होंने पहले कॉलोनाइजर से लिया था पर उनको पता चला कि उनका नक्शा पास नहीं होगा, अब उस कॉलोनी के जो प्लॉट मालिक है वो नक्शा पास कराने के लिए मिनिमम शुल्क देके नक्शा पास करा सकता है। और सबसे खास प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी नगरीय निकाय है और उन नगरीय निकाय के तहत जितनी अवैध कॉलोनियाँ थी उन सबको उन्होंने वैध करने की स्वीकृति प्रदान करी है। और इस स्वीकृति के बाद में हमारे देवास की 95 कॉलोनियाँ जिनका हमने सर्वे किया था और जो श्रेणी में आ रही थी उन 95 कॉलोनियों में अब वैध की श्रेणी में होगी। वहाँ पर भवन निर्माण की हम अनुमति प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हमारे नागरिक बंधुओं को सबसे बड़ा किसी के जीवन में अवैध का धब्बा होता है, आज वो उस धब्बे से मुक्त होंगे। और
और उनको हम भवन निर्माण की अनुमति भी देंगे, अनुमति होगी तो उन्हें लोन भी मिलेगा और आसानी से अपना घर का आशियान बसा सकेंगे और सम्मान से कहेंगे कि हम विवेक कॉलोनी में रहते हैं। इसके साथ ही बहुत नाम मात्र का विकास शुल्क जो शासन ने निर्धारित करा है, हम सभी कॉलोनी वासियों से आग्रह करेंगे कि वो लोग उस विकास शुल्क को जमा कराएं, तो उसके बाद नगर निगम बाकी अपनी निधि से उन कॉलोनियों के अंदर भी सभी मूलभूत सुविधाएं एवं विकास कार्य पूरा करने का हम लोग काम करेंगे।